नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कामा विधानसभा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन विधायक जाहिदा खान के खिलाफ जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज सुबह गांव अमरुका के पास पहाड़ी रोड पर सैकड़ों लोग टेंट लगाकर नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कामा के एडिशनल एसपी हिम्मत सिंह, डीएसपी विजय कुमार, पुलिस जाप्ता के साथ मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों का टेंट व सामान को वहां से हटा दिया और पुलिस सामान को भर कर ले गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय विधायक जाहिदा खान के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर निवासी अकबर समाज सेवी के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग विधायक जाहिदा खान के विकास के कारण खुश नहीं थे। कहीं भी कोई भी विकास नहीं कराया और आए दिन लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है और चारों तरफ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो वहीं 7 तारीख को कामा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी आने की सूचना है, जिसको लेकर स्थानीय विधायक जाहिदा खान तैयारी में लगी हुई हैं। इसीलिए जनता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जाहिदा खान के अलावा किसी भी अन्य प्रत्याशी को कामा से टिकट दे, लेकिन अब की बार कामा में जाहिदा खान को भगाना है और कामा को मुक्त कराना है। निर्विरोध कर दिया, चेहमी का विकास उसका तो हुआ ही है, कौन कहता है इसको? मैं भी कहता हूं, मैं समर्थन करता हूं उसका विकास हुआ है। आपकी प्रमुख रूप से मांग क्या है? मेरी प्रमुख रूप से मांग ये है, माननीय गहलोत साहब से जाहिदा का कामा बचाने के लिए जाहिदा का चेहरा बदल दो और जो भी कैंडिडेट को आप टिकट दो, मैं तो टिकट नहीं मांग रहा, मैं वोटर हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्राइम वोटर हूँ और किसी भी कैंडिडेट को भेजेगा हम उसका स्वागत करेंगे। कहने का मतलब क्षेत्र में जाहिदा खान का विरोध है, कांग्रेस का कोई विरोध नहीं, विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। बदलता है तो आपका क्या रुख रहेगा? 60,000 से 60,000 जिताएंगे इनको, कामा की जनता 100% बूथ करेगी। मैं और से ज्यादा वोट लेना कोई कौम नहीं जानती, कोई इलाका नहीं जानता, मैं और की औरतों ने एक एक औरतों ने इतनी वोटिंग किया, 60,000 हमारा एक लेकिन अब आज 5 साल पूरे हो गए, अब हम लोग कर सकते हैं चीजों का, मतलब हम उस स्टेज पर पहुंच गए, हमने क्या खोया क्या पाया? जब हम दूसरी विधानसभाओं से कंपैरिजन करते हैं, पोखरण में साले मोहम्मद इन्हीं की तरह सांसद विधायक है, उसके यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अल्पसंख्यक छात्रावास मतलब कंस्ट्रक्शन की जो शुरू हुआ और उसकी नियत तिथि तक उसका कार्य मतलब पूरा हो गया, कॉलेज का जो काम शुरू हुआ नियत तिथि तक कार्य पूरा हुआ, हमारे यहाँ एक भी प्रोजेक्ट अगर कोई भी माइक लाल गिनवा दे अब ये कार्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट का पैसा कमीशन की बलि चढ़ गया है, विधायक के पास चला गया सारा और ठेकेदार मजबूर है, लाचार है। जितने भी विकास कार्य यहाँ हुए हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाए हैं, टीचर नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, शौचालय नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली व्यवस्था नहीं है।